प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 26 तारीख आज मंगलवार को विधायक थावरचंद डामोर के गृह क्षेत्र भांडला में आज फसलोत्सव एवं महागैर नृत्य का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान यहां पर हजारों की तादाद में आसपास क्षेत्रों से महिला एवं पुरुष के साथ ही बच्चे भी यहां पर सामूहिक नृत्य गान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज इस फसलोत्सव एवं महागैर कार्यक्रम में आदिवासी पारंपरिक परिधान में महिला एवं पुरुष ढोल की थाप पर एवं घुंघरू बांधकर उन्होंने यहां पर सामूहिक नृत्य गान किया है। आज का ये कार्यक्रम शानदार था, पूरा अनुशासन था इसके अंदर और आप सब ने देखा ही था कि शानदार शौर्य पराक्रम और अनुशासन के साथ में नौजवानों ने घेर की थाप घुंघरू की थाप पर शानदार अनुशासन से घेर खेली थी और साथ ही माता बहनों ने दारुआ के माध्यम से इस चार चांद लगा दिए थे इस कार्यक्रम के और इस कार्यक्रम को ढोल की थाप पर जिस तरीके से घुंघरू के पग हिल रहे थे आप सब देख रहे थे कि कितना अनुशासन है इसका। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हमारे पुरखे उनकी विरासत है, हमारा ये संस्कृति है, इसको पुनः जीवित रखने के लिए आज हमारे नौजवान हैं, हम सब हैं, कहीं कहीं दूसरी संस्कृति की ओर मुंह मोड़ लेते हैं या फिर हमारी संस्कृति के अंदर मिलावट करने जा रहे हैं या फिर हम लोग हमारी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास है और इस बार दरियावत के अंदर भांडला के पाँचवा जो हर साल हमारे कार्यक्रम होता है जो पाँचवा है इसके माध्यम से हमारे पुरखे हर बार जब भी फसलें उनके खेत से खले तक आती थी या कह सकते हैं खेत से खलिहान तक फसलें आती थी तो उस समय उनका उत्सव रहता था, ये सामाजिक उत्सव के तौर पर ये कार्यक्रम होता रहता था होली का जो फसली उत्सव कहते हैं और उस फसली उत्सव के माध्यम से आज भी हमने ये कार्यक्रम यही रखा। हमने समाज में कई सारे संदेश दिए, इस मौके पर हमने यही संदेश दिया है कि अपनी संस्कृति है, परंपरा है, विरासत है पुरखों की, यदि ये जीवित रहेगी तो इन आदिवासियों की पहचान यही है और इन आदिवासियों की पहचान अगर खत्म हो गई तो हम आदिवासी हैं ये कोई पहचान नहीं पाएगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।